बंदी जो भी बोलती है दिल से बोलती है, खुला बोलती है, मुझे पूरी फेक लगती है। लड़कियों के मामले में सबसे स्ट्रांग वही है, मेरी फेवरेट है सुरभि राणा। कोई गंदी गेम नहीं खेली, मुझे लगता है वो स्ट्रांग है। क्या है पता ही नहीं, मतलब टीआरपी बढ़ती है। बेस्ट है वो, स्ट्रांग है। लड़कियों के मामले में सबसे स्ट्रांग वही है, क्योंकि हर जगह अपना स्टैंड लेने के लिए रेडी रहती है और दूसरों का सुनती नहीं है। जो है उसको वो लगता है, अपने फ्रेंड्स लोग को साथ में लेके चलती है। पर ये बार थोड़ा उसने गलत किया कि दीपक को हटा दिया उस जगह से, जब उसने साथ में बात की थी कि हाँ दीपक और मैं रह गए, पर उस टाइम फिर उसने रोहित के साथ साथ में रह गई। तो अगर वो ये किए तो थोड़ा दीपक को भी बुरा लगा है और थोड़ा हमें भी बुरा लगा कि हाँ उसको फ्रेंड्स लोग के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर करना ही था तो सबको बात करके साथ में बैठ के सब क्लियर करके करना चाहिए था, तो उसकी वजह से उन लोग की फ्रेंडशिप पर कुछ नहीं आता। पर वो बुरा लगा कि हाँ वो उसने फ्रेंडशिप नहीं देखी आगे। सुरभि मुझे एक्चुअली स्ट्रांग नहीं लगती है, वो मुझे पूरी फेक लगती है। बट क्या है वो, मतलब उसके वजह से मतलब टीआरपी बढ़ती है उसका, मतलब वो रोना झगड़ा करना वो है, तो मतलब ऐसा एक्टिव रहती है ना वो हर चीज़ के लिए, तो उसका कैसा लगता है कि अच्छा लगता है देखने के लिए, थोड़ा मिर्ची मसाला मिक्स लगता है। बट वो मतलब आगे तो मुझे नहीं लगता जा पाएगी और अभी निकल सकती है। सुरभि जस्ट वो इतना बोलती है इसलिए वो घर में है, उसका वैसे भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, तो वो जस्ट ऐसे ही है, वो कुछ भी नहीं है। तो वो सेमीफाइनल में गई है बट आई डोंट थिंक कि वो फाइनल में जाएगी, बिकॉज पीपल आई थिंक वोंट सपोर्ट हर, सो नहीं जाएगी वो। मुझे नहीं लगता है वो स्ट्रांग है, मुझे सच में नहीं लगता कि वो स्ट्रांग है, क्योंकि उसका वो भी सेम है जैसे रोहित करता है, क्योंकि वो भी शीशांत को इरीटेट करता है और केवी के साथ मिलके, मतलब वो अकेली नहीं खेल सकते, खाली केवी के सपोर्ट के साथ वो कर रही है जो भी कर रही है। नहीं, मेरी बेस्ट है, मेरी फेवरेट है सुरभि राणा, क्योंकि वो जो भी बोलती है मुंह पे बोलती है, पीठ पीछे कुछ भी नहीं बोलती और दोस्तों का सबका साथ देती है। वो तो डिजर्विंग है, तो थर्ड टाइम गया वो, सारी वीक्स कैप्टन बने तो भी कोई इशू नहीं है। मेरे हिसाब से सुरभि राणा तो स्ट्रांग प्लेयर है, बट वो जो अपना रिएक्शन देती है वो बहुत ज़्यादा ही ओवर हो जाता है और वो सामने वाले को भी बहुत ज़्यादा कर देता है कि वो भी कुछ भी वर्ड्स यूज कर ले। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सुरभि राणा को थोड़ा सा कंट्रोल में तो रहना चाहिए, बट एज अ कंसिस्टेंटल सी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सुरभि बहुत स्ट्रॉन्ग है और अच्छा खेलती, माइंडिंग है उसका अच्छा चढ़ता है और सबको लेके चलती हूँ, कभी कभी गुस्सा आ जाता है उनको और बाद में आइडिया हो जाता है। सुरभि तो है, वो भी बहुत फेक है, वो तो आई थी तो ही बोली थी, वो मुझे सिर्फ इतनी अच्छी नहीं लगती है, बट कुछ नहीं है, वो बन जाती है बार बार तो क्या कर सकते हैं। और सुरभि राणा तो मेरी पर्सनल फेवरेट भी है, क्योंकि बंदी जो भी बोलती है दिल से बोलती है, खुला बोलती है, किसी का डर नहीं है। सुरभि राणा का तीन बार क्या, वो तो चार बार भी कैप्टन बने तो चले। हाँ, डिजर्विंग तो है, क्योंकि उसने कोई गंदी गेम नहीं खेली जैसे बाकी के, दीपिका खेल रही है जैसे, वैसे गंदी गेम नहीं खेली। भाई भाई बोल के श्रीशांत को, पता है लोगों को समझ में आता है कि क्या कर रही है सुरभि राणा, तो वो तो डिजर्व ही नहीं करती है और वाइल्ड कार्ड एंट्री है वो। सुरभि राणा का जब वो रोडीज में थी मैं बहुत बड़ा फैन था, पर ये नहीं पता था इतनी गंद मचाई है अंदर आके वो, और अपने दो भाइयों की धमकी देती है, भैया तू ही बाहर आ जा, तेरे दो भाइयों को भी लेके आ जा, जहाँ की भी है तो हरियाणा या पंजाब की, आ जा भैया इधर, तेरे को फिर बताते हैं कि क्या होते हैं, तेरे दो भाई की धमकी देती रहती है। जिसने उसको सपोर्ट किया रोमिल को भाई भाई बोल के फिर उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा दी, तो वो तो हैप्पी क्लब है क्या, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, जब खत्म हो चुका है।